हेलो गुड इवनिंग दोस्तों गाइस, टाइम अपडेट बता देता हूँ, 5:25 और मैंने लॉगिन कर रखा है उससे पहले ही। ठीक है, राइड तो आ रही थी बट छोटी छोटी राइड आ रही थी अपने आसपास लोकेशन की, तो भाई मैंने इग्नोर करके लास्ट मैंने पिक किया 1:12 की राइड है उसी को। चलो एक राइड आ तो रखी है, बस पहुँचने वाला हूँ लोकेशन पर। शायद बंदा वो दिख गया मेरे को, हाँ वही होगा। चलो दिखा तो रहा था 12:07, बाकी अब पता नहीं भाई कौन सा 7 है। आ जाओ भैया, ये आपने नंबर दे रखा है इसमें, आपने नंबर दे रखा है यहाँ पे, पिन बता दीजिए। आप लोकेशन जो है कहाँ की है, ये भवोजार का लोकेशन बता दो। ठीक है, भवोजार आप ट्रैम लाइन होके जाइएगा, आपको ये काकुरगाछी मानिक तल्ला है। हाँ, काकुरगाछी मानिक तल्ला होके जाइएगा, MG रोड मत पकड़िएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, वहाँ से 1 भैया आप जैसे हम बता रहे वैसे जाइएगा, 200 रुपये उसमें दिखा रहा है। हाँ, ठीक है, और बाकी होगा 10-20 रुपये बढ़ा के दे देगा आपको। ठीक है, आप ये काकुरगाछी है, काकुरगाछी से मानिक तल्ला से वहाँ से टर्न कर लीजिए, नीचे रोड पर जाइएगा। ठीक है, ओके, काकुरगाछी से मानिक तल्ला होके निकलिएगा, नहीं कहूँगा तो आप पूछ लीजिएगा, वो ट्रैम लाइन होके जाइएगा सना पट्टी सना होकर। काकुरगाछी क्रॉस करने के बाद मानिक तल्ला आएगा क्रॉसिंग, वहाँ से धानी ब्रिज के जो पुल आता है। हाँ हाँ, काकुरगाछी साहब का जो पुल आता है। हाँ हाँ, पुल का जो गंदा नाला। हाँ, इससे ऐसे कट मान दीजिए, लेफ्ट में आएगा काकुरगाछी साहब के ऊपर नियर पुल। हाँ, उल्टा डांगा से लेके सीधा सीधा कहने का जो पुल पे उतरे। हाँ, आप उल्टा डांगा का ब्रिज बोल रहे हो या काकुरगाछी का ब्रिज बोल रहे हो, बता रहे आपको। आप यहाँ से उल्टा डांगा पहुँचे। हाँ पहुँचे, हाथीवान का तरफ नहीं जाना आपको, इधर जाना काकुरगाछी। हाँ, काकुरगाछी गया, सामने जो कट आया, कट राइट लेना है, लेफ्ट लेना है या स्ट्रेट? लेफ्ट लेना है। उल्टा डांगा से लेफ्ट लिए तो उधर नहीं जाना है आपको, इधर जाना है काकुरगाछी की तरफ। आप काकुरगाछी की बात बताओ ना, फिर वापस काकुरगाछी उल्टा डांगा क्यों आ जाते हो? काकुरगाछी पहले पड़ता है, मानिक तल्ला पहले उल्टा डांगा पड़ता है, उसके बाद काकुरगाछी, उसके बाद मानिक तल्ला। हाँ, ये आप उल्टा डांगा ऐसे उतरे ब्रिज से, आप काकुरगाछी के बाद मेरे को बताओ, काकुरगाछी सिग्नल है उधर से गिरा जाए। आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, आप काकुरगाछी मानिक तल्ला होके जाइएगा। हाँ, वहाँ किसी से रोक के पूछ लीजिए, हमको ट्रेन लाइन वाला जाना है गोमता कॉलेज। ठीक है ठीक है, गोमता कॉलेज जाना है। ठीक है, पूछ ठीक है, गोमता कॉलेज, गोमता कॉलेज से नहीं राइट पर उतार दीजिएगा। ओके ओके, वो उसमें बैठ पाए, उसमें डर लगता है उसको। अच्छा बैठिए, कैसे हैं? है ना, गाड़ी मत ठोकियो, खा के पूरी खा रही है मज्जा। आराम से थोड़ा ध्यान से आराम से। ओके ओके, बिल्कुल हेलमेट। हाँ बताओ भाई साहब, सब कोई हेलमेट ही भूल जाता है अपना। ₹9.53 डिडक्ट किए 116 रुपये में। चलो ठीक ही है, BBD की राइड। हो
चलो 160 मिला कस्टमर की तरफ से, क्योंकि भैया ने भी बोल रखा था आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टेंशन नहीं है। 116 कलेक्ट करना था, चलो ले लेता हूँ। अरे यार, न्यू टाउन के लिए शुभंकर जी का राइड मिल गया, चलो बढ़िया है भाई। MG रोड से लेकिन पिक करना है अपने को। बाप रे बाप, ये लीजिए। उधर से जाना है ना? हाँ उधर ही दिखा रहा है। अब जाने दे दे, सबसे बड़ी बात है, नहीं देगा तो फिर घूम के आना पड़ेगा। चिना पार्क, ठीक है। चलो मित्रों, हमारी ये राइड हो गई कंप्लीट। 164 की कैश कलेक्ट हुआ, 170 रुपीज़ ये हमने दे दिए भैया को। स्टार डन डन, देखता हूँ कितना डिडक्ट करता है, कितना मिलता है मुझे। 142 रुपये मिला 14 किलोमीटर का, 21 रुपये डिडक्ट। बाबा रैपिडो भाई काटने में बहुत तेज है भाई। 13 रुपये का सर्ज लगा करके विवेकानंद मध्यम ग्राम, देखो सर्च बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन और बताओ भाई, मैं जब वहाँ से निकला ना कॉलेज स्ट्रीट के पास से, ठीक है, तो मेरे को फूड का राइड आ रखा था ओला में, बताओ 1 किलोमीटर का 50 रुपये मिल रहा था। लेकिन अभी कर क्या सकते भाई, मैं इनको उठा रखा था। चलो देखते भाई नेक्स्ट। देखो गाइस, अभी जो रैपिडो का जो सिचुएशन है ना, ठीक है, मतलब राइड और पेमेंट, मेरे को अभी उबेर नहीं अच्छा लग रहा है, उससे बेटर मेरे को रैपिडो लग रहा है ओला के बाद। लेकिन ओला में क्या है भाई, आपको आप लोगों को मैंने बताया था कि सबसे पहले राइड उन्हीं को मिलेगा जिनके पास होगी ओला की रेंटेड वाली स्कूटी, है ना। तो इसीलिए हमें तो ओला भाई राइड बहुत कम दे रहा है, बहुत रेयर केस में ही दे रहा है, जैसे पहले मिलता था वैसा ही हो चुका है। तो अभी रैपिडो ही बेस्ट दे रहा है, इसलिए मैं रैपिडो में ज़्यादा काम कर रहा हूँ। बस एक बार सब्सक्रिप्शन भी आ जाए तो और मज़ा आ जाएगा। बाकी ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो रैपिडो ठीक ही अर्निंग हो जा रही है। अभी बताओ, मैंने 2.5 घंटे काम किया, 250 की अर्निंग कर ली। मात्र 2.5 घंटे हमने काम किया और 250 की अर्निंग हमारी। मात्र हमने 2.5 घंटे काम किया और 250 की अर्निंग हमारी हो गई। तो यही बात है भाई, रैपिडो में राइड ज़्यादा है, बट थोड़े बहुत पैसे कम देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू ओला, ठीक है। बट कोई नहीं, आदमी को जब आदत लग जाती है ना कोई चीज़ की, लाइक मेरे को बीच में ओला की आदत लग गई थी, इतनी अच्छी पेमेंट देखता था ना, तो अदर अब मैं करता ही नहीं था। तो वही बात है भाई, अब रैपिडो करना ही पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि ओला मेरे को बहुत रेयर केस में ही ऑर्डर देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई क्या होता है। यहाँ पे होल्ड करता हूँ मैं,
क्योंकि और आधा घंटा मैं ट्राई करूँगा, 7:30 बज रहे हैं, 8 बजे तक ही करूँगा। अभी तक मेरी 2 ट्रिप हुई है, दोनों के दोनों रैपिडो में। रीज़न है मैं आधा घंटा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई एडिटिंग करके अपलोडिंग भी करनी है ताकि आप लोग को टाइमली वीडियो मिल पाए। और देखता हूँ कल मॉर्निंग में अगर पॉसिबल हो पाए तो करूँगा, बट मैं पूरा कोशिश करूँगा कल मॉर्निंग में राइड करने की। चलो यहीं पर होल्ड करते हैं भाई, कोई राइड आ जाए। ये सिटी सेंटर के पीछे वाले एरिया में हूँ क्योंकि सिटी सेंटर के पास जाऊँगा तो भाई जाम, वहाँ पे जाम रहेगी, क्राउड रहेगा ही, और प्लस शोर शराबा एक अलग से। इनको लेके आने में मेरे तो बैंड बज गई, इतना ट्रैफिक है भाई, बैंड बजा दिया। देखो आज की टोटल अर्निंग 434 रुपये रैपिडो में हुआ है, जो सुबह वाली आपने राइड देखी होगी वो और ये मिला करके। तो खैर मैं अलग अलग ही बताऊँगा, टेंशन ना लो आप। हेलो दोस्तों, गाइस टाइम अपडेट 8:17 और मैं सिटी सेंटर का पीछे थोड़ा सा चक्कर लगा रहा था, गर्मी लग रही थी अपने को, और वीडियो एडिट कर रहा था खड़े खड़े, क्या करता भाई। तो गाइस एक बंदे का हेल्प कर दिया हमने इसी बीच में, उसको थोड़ा सा आगे में ड्रॉप कर देना था, बोला था भाई मेरे पास पैसे वैसे लाया था, ख़त्म हो गया, अभी नहीं मैं बुक कर पा रहा हूँ, नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। तो चलो भाई, अब आप झूठ बोलो जो भी बोलो, मेरा तो गलत इरादा नहीं था, मैंने आपका हेल्प कर दिया है ना, बाकी आपकी मर्जी। हाँ तो गाइस अर्निंग अपडेट बता देता हूँ, टोटल जो अर्निंग हुई हमारी सिर्फ रैपिडो में 2 राइड हमने किया है 288 रुपीज़ का, ठीक है। और पेट्रोल कॉस्ट अगर देखा जाए तो 45 किलोमीटर अराउंड हमने गाड़ी चलाया, लेकिन हमारा 45 किलोमीटर चला नहीं था, हम 35 किलोमीटर ही चलाए थे, तो वो बंदे को हेल्प करने में हमारी थोड़ी सी किलोमीटर बढ़ गई, बट कोई नहीं। तो 45 का मैं पकड़ लेता हूँ तो 90 रुपीज़ हमारा बिल बन रहा है। तो भाई 288 में मतलब 88 रख लो पूरा तेल खर्चा, 200 रुपये बच रहे हैं। 28 घंटे ही हमने काम किया है, 7:30 बजे तक ही हमने काम किया था, उसके बाद राइड नहीं आ रही थी। तो वही मैं अपना थोड़ा सा वीडियो वीडियो देख रहा था कहाँ पे क्या मिसिंग है नहीं है, बस यही रही। दो ढाई घंटे सुबह काम किया था, 2.5 घंटे अभी कर रहा हूँ। एक्चुअली सबसे बड़ी टेंशन आ रही वीडियो एडिटिंग की, ठीक है, तो उसी में सबसे ज़्यादा टाइमिंग लग जा रहा है, बट कोई नहीं, आज मैंने 8 बजे तक ही किया है, बाकी दिन जो है आपको ज़्यादा टाइम तक दिखेगा, 9 बजे 10 बजे 11 बजे ऐसे दिखेगा, क्योंकि आज मेरा पहला दिन था भाई, समझ लो ज्वाइनिंग, ठीक है। तो वीडियो को यार लाइक करा करो, ठीक है, पसंद आए तो भाई ज़रूर करना, आप पसंद क्यों नहीं आएगा भाई, इतना मेहनत कर रहा हूँ आपकी आपकी पसंद के लिए ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मतलब समझ लो मैं 2.5 घंटे में अगर 288 रुपये कमा सकता हूँ तो ऑब्वियसली यार आप लोग भी कमा सकते हो, ठीक है। अगर तेल कॉस्ट हटा दूँ तो 200 रुपये ही हमारा बन रहा है, तो यार ऑब्वियसली आप लोग भी कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ रैपिडो का मैं कर रहा हूँ, और अगर सिर्फ ओला मैं करता तो ओला की राइड का मैं, अगर ये स्कूटी हमारी रहती तो यहाँ पे 2.5 घंटे में अराउंड 300+ हो जाती भाई, सही बता रहा हूँ। जो ओला की राइड की पोजीशन है ना, अभी भी मैं एक बंदे से मिला, उनका भी वही 50B वाला था, मतलब इलेक्ट्रिक वाला ही था, तो सेम केस, उसको राइड जो है बहुत तगड़ी वाली मिल रही थी, अरे यार उसको राइड जो है तगड़ी वाली मिल रही थी और मुझे नहीं, तो यही बात है भाई। इसीलिए मैंने ये चीज़ आप लोगों को पहले ही बोला था, अगर ओला की राइड अभी अर्निंग करनी है तो इलेक्ट्रिक स्कूटी ही दे सकता है, बाकी नहीं। चलो कोई नहीं, देख लो भाई, जिसके पास ओला की स्कूटी है फ़ायदा उठा लो जब तक रेंट चालू नहीं हुआ है, रेंट चालू होने के बाद तो भाई एक और परेशानी बढ़ जाएगी, और आई थिंक की रेंट अभी तो चालू होगी नहीं 1-1.5 महीना और, क्यों, क्योंकि भाई उस हिसाब से अभी अर्निंग नहीं हो पा रही है, ठीक है, हर बंदे को उस हिसाब से अर्निंग नहीं हो पा रही है, कुछ कुछ बंदे को वो तगड़ी अर्निंग हो जा रही है, लेकिन हर बंदे को अर्निंग नहीं हो पा रही है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को ज़रूर करना सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना यार, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ ड्राइव, सेफ योर लाइफ एंड बी हैप्पी।